बिस्मिल्लाह रन रही आज चंद अहम ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करनी हैं सबसे पहले तो एक अफसोस और दुख की बात है मेरे लिए बिलखसूस कि आज शाम तकरीबन चार बजे अस्सी के लगभग पुलिस अलकरान कई गाड़ियों में हमराए आर डी एफ़ीशल राहुलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफ़ीशल समेत गए यहाँ हमारी एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने अपना एक फार्म हाउस बनाया हुआ था 2023 आज से 10 साल कबल बनाया था और उसमें चार बेडरूम्स थे अटैच बाथरूम थे एक ड्राइंग ड्राइंग थी ड्राइंग रूम किचन था बरामदा था आ, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी और आ, मार्बल टाइल बड़ा प्यारा सा उसमें छुट्टियों के रोज़ हम चले जाते थे और उसमें गाय बेंस से रखी थी तो आज जो हैंकूमत के ईमा पे ये लोग गए हैं चार बजे और उन्होंने मेरे घर को मिसमार किया है पूरा घर डिमालिश किया है तमाम दीवारें और वो जो मेरे प्रॉपर्टी में दाखिले जो गेट हैं उन गेटों को भी मिसमार किया है और तो मैं गया हूँ कुछ मेरे चौकीदार ने उस वक्त जब ये लोग आए थे वीडियोस बनाई हैं तो मैं तीन चार वीडियोस हैं जो शेयर करूँगा बहरहाल यहम की इंतहा है कि बिला वजह मेरी जाती प्रॉपर्टी जो मेरी मलकियत हैं और उसमें मैंने अपना घर बनाया हुआ है दस साल कबल किस बुनियाद पर आप मिसमार कर रहे हैं रियासत या क़ानून या कानून के वर्दी पहनने वाले पुलिस अलकारों का ये काम है कि पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ़ से वाबस्त जो भी लोग हैं जिस अंदाज़ में भी हो उनको सितम का निशाना बनाए ये आ, मेरे लिए ज़हनी परेशानी और कोफत का बाइस बना है लेकिन अगर इनके पीछे चूँकि वाजह हैं इनका मकसद यही है डरा धमका के तंग कर के, ख़ान के काज से लोगों को उठाना तो ये इनकी ग़लतफहमी है मैं अपनी घर की कुर्बानी देते हुए खुश फील कर रहा हूँ कि कम से कम ख़ान के काज में मेरी जो कुर्बानियाँ हैं वो बढ़ रही हैं और जितनी बढ़ेगी हत्या की जान पे भी आएगी ना तो मुँह नहीं मोड़ूँगा तो लिहाजा लगे रहो मुना भाई जो कर सकते हो कर लो जो मैंने पहले कहा था मरते दम तक कि यही अल्फाज होंगे अब तो ज़िद है आपके साथ और इस ज़िद में इन वो दिन नहीं आएगा जब बहोश व हवाज़ जो हैं आ, किसी ालिम या जाबिर के सामने हथियार डाले खान के कास पे कायम हैं और एक इंच भी नहीं हटेंगे घर बन जाएगा दोबारा लेकिन जो दिल थोड़ा है शायद ही वो दोबारा बने यानी रूल ऑफ़ लॉ के लिए कुर्बानियाँ हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और अपने कौम के बच्चों के लिए देते रहेंगे दूसरी बात जो है आज खान साहब से हमारी मुलाकात हुई मार्निंग नौ बजे जो हैं जेल पहुँचे करने साहब जो साइफर केस के, के ट्रायल जज है वो भी आए हुए थे ख़ान साहब और शाह महमेशी साहब को जब लाया गया तो उसी रूम जो कि छोटा सा कमरा था दस बारह बाई बारह साइज़ का उसी के साथ एक पिंजरा नुमा जंगला था आ, तंग सा और बदही अच्छा उसमें उनको खड़ा कर दिया गया कोई बैठने की जगह भी नहीं थी ना कोई कुर्सी वगैरह थी जिस पर हमने शदीद एजाज किया और जज साहब को फिर उन दोनों को अदालत में बुलवाना पड़ा अदालत आके खान साहब मेरे साथ ही बैठ गए और शाम मुद्दा के साथ इस दौरान खान साहब से बातें भी हुई अदालती हवाल कुछ क्यों था कि जज साहब तैयार किए बैठे थे कि उन्होंने नकूल की कार्रवाई जो है वो तकमील तक पहुँचानी है हमने दो इतराजा किए एक तो जेल ट्रायल ख़ान साहब की अब तक नोटिफिकेशन हुआ है जिसको ऑलरेडी हमने चैलेंज किया है फैसला मुतव किए हैं शाह महमूद कुरेश साहब की अद तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया था उनके हवाले से ट्रायल जो हैं वो जेल में नहीं हो सकते थे एक उज़र ये उठाया दूसरा उज़र ये था कि अभी एक दो दिन में हाई कोर्ट ने ये आर्डर करना है कि ये अबनाजलकर साहब का अपना नोटिफिकेशन क्या लीगली जायज़ हैं और या आया ये जेल के अंदर ट्रायल हो सकते हैं तो लिहाजा प्रोप्राइटी जुडिशल प्रॉपर्टी का तक था कि वो याफ्ता दस दिन की हमें तारीख़ देते लेकिन उनको बड़ी जल्दी है इस तरह हवा दिलावर साहब को जल्दी थी और उन्होंने जो हैं जब आर्डर किया कि जी मैं नकूल दूंगा तो हमने मैंने इनकार किया जिस पर जज साहब जो हैं मेरे साथ आर्गमेंट्स करने लगे और कभी उठ जाते थे कभी बैठ जाते थे कभी गुस्सा करते थे और यूँ हमारे दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ जिस पर उन्होंने ख़ान साहब को जो हैं तीन दफ़ा इस तरह उंगली पकड़ी और कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इज़्ज़त देने वाला खुदा हैं और वह तो मैंने उन्हें कहा जज साहब को टोका मैंने कहा जितनी इज़्ज़त ख़ान साहब को अल्लाह ने दी है पाकिस्तान में न किसी जज को मिली है न किसी शख्स को मिली है तो लिहाजा इज़्ज़त की बात आप न करें और फिर खान साहब जो हैं वो उसका मूड सुबह से ख़राब था यानी एक तो उनको एसिडिटी हुई थी वॉकिंग स्पेस नहीं दिया गया था रवैया अडियाला जेल में ऑल टुगेदर फिर डिफरेंट हो गया है तो यूँ ये सारी चीज़ों पे खान साहब ने उसको कहा कि जी आप मुझे दहशत की तरह ट्रीट कर रहे हैं और ये जेल वाले दहशत गर्दों के साथ इससे गया इससे इस तरह रवैया अपनाया नहीं जाता है जो मेरे साथ हो रहा है खैर बहरहाल आज की सारी कार्रवाई बड़े तलखामेज़ जुमलों से भरपूर थी और जब खान साहब को उसने कहा कि दस्तखत करें इस पर फिर हंगामा हुआ और खान साहब ने कहा मैं नहीं करता उन्हें कहा जी आपको मुझ पर इतबार नहीं है तो खान साहब ने जवाब दिया कि मुझे पूरे निज़ाम इंसाफ़ पर इतबार नहीं रहा है तो यूं जो हैं हमने आ ये नकुलात की कार्रवाई से इनकार किया और हमने दस्तखत नहीं किए इसके बाद ख़ान साहब से ख़ान साहब को जो स्पेस था वो उस हवाले से ख़ान साहब को लेके फिर जेल के अंदर गए और बाद में उन्होंने कहा जी कि एक दीवार दरमियान में रुकावट बन रही थी उसको गिरा के स्पेस खान साहब की जो है तसली के मुताबिक फराम करने का हुक्म किया है तीन बातें खान साहब से हुई जो उन्होंने ज़ोर दे के कहा एक तो ख़ान साहब नवाज़ शरीफ की आमद के हवाले से कह रहे थे कि क्या ये पूरे अदालती निज़ाम का मज़ाक उड़ाना चाहते हैं कि एक मफरूर को पहले से जो हैं पूरे निज़ाम को दाव पे लगा के और खून जस्टिस सिस्टम को जी उसके लिए राह निकली निकली हुई है पहले से वो उनके वज्रा बिलखसूस इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये हमें गारंटीज मिली हुई है अगर उन इस मफरूर को नवाज़ शरीफ को अगर अदलिया कोई रास्ता देती है तो फिर जो है पाकिस्तानियों को निज़ाम इंसाफ खुलवल्ला पढ़नी चाहिए नौ मई के वाकयात के हवाले से ख़ान साहब जो हैं बार बार कह रहे थे कि वो वीडियोस कहाँ पे गई है जो हाई कोर्ट की वीडियो फोटेज़ थी जो 18 मार्च की जुडिशल कम्प्लेक्स की वीडियो फोटेज़ थी जो कोर कमांडर हाउस की वीडियो फुटेजेस हैं उन्होंने कहा जी ये आप लोगों ने एक बेबुनियाद इल्ज़ाम जो है हम पे दर लिया है और इसी को जवाब बना के आप हमारी पार्टी का सफाया करने पे तुले हुए हैं तो खान साहब ने वाशगाफ़ अल्फाज में कहा कि नौ मई के वाक़ पे भी जुडिशल कमीशन जो है वो बनाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके तीसरी बात जो ख़ान साहब ने कही वो साइफर के हवाले से ख़ान साहब जो हैं वो राय रखते थे कि साइफ़र पे भी जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो पहले बनाया भी था लेकिन काम न कर सका आ, दो बातें और ख़ान साहब ने कही इसके अलावा केसिस के हवाले से बात हुई और एक और पाकिस्तानीज ने मुझे दो किताबें भेजी थी उनमें से एक किताब खान साहब पढ़ चुके थे दूसरी उन्होंने नहीं पढ़ी थी तो वो उन्होंने ले ली आ, और शीस पाकिस्तानी और जिन जिन लोगों ने मुझे खान साहब को सलाम और दुआ कहने का कहा था मैंने पहुँचाई ख़ान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो हैं अब कन्वेंशन के लिए भी बाहर निकले, वर्कर हौसला पकड़ें और जहाँ पर ज़रूरत हो तो अदालतों से रजू किया जाए इन शाह खान साहब की हदयात के तहत सैफर केस में जेल के मामलों पे मैं बहुत जल्द जो है एक सुप्रीम कोर्ट में और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मैंने दायर कर दिए कल लगा हुआ है और एक सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल वन एटी फोर थ्री के तहत मैं रजू कर रहा हूँ आप सबका बहुत शुक्रिया